आज हम बात करेंगे किसी फॉर्मूला को छोटा कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है जिसमें हमने और के साथ टेक्स्ट फॉर्मूला लगा के कई सारे फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे चेंज किए हुए। तो हर देख सकते हैं यहाँ भी टेक्स्ट है, यहाँ भी टेक्स्ट है। इसको सिंपलाइज करने के लिए हमारे पास लेटेक्स एक्सेल में एक होता है लेट का फॉर्मूला। लेट फॉर्मूले में यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिए और अपना टेक्स्ट दे दिया, जो भी टेक्स्ट आपका वो टेक्स्ट यहाँ पे दे दीजिए। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप यहां दे दीजिए। अब मैं यहां पे लगा रहा हूं कि इफ का फॉर्मूला और का फॉर्मूला। और के फॉर्मूले में मैंने बोला कि ए अगर इक्वल टू सैटरडे है तो कॉमा ए इक्वल टू संडे है, इन्वर्टर कॉमा में संडे है। और यहां हमने इफ के अंदर यहां पे वीक ऑफ और यहां पे हम ऑफिस कर देते हैं। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने आ रहा। जी हाँ, रिजल्ट आपके सामने आ गए। और हमने जो है आपने देखा कि हमने इस फॉर्मूले को सिंपलाइज किया। अब ये हो सकता है कि दो ही कंडीशन थे, तीन चार 10 कंडीशन होते तो हर जगह पे टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ता, बट लेट फॉर्मूला ऐसा नहीं करने दिया। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया और फॉर्मूला डाल दिया। अब इसकी जो रिजल्ट है वो ए मानी जाएगी और जहां जहां मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे देखिए हमने ए का यूज किया हुआ है, सिंपल ए का यूज किया हुआ। तो आप भी एक एक काम और कर सकते हैं, आप जो है अपने सब्सक्राइब बटन को यूज कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। सामने मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कीजिए अगर आपको एडवांस एक्सेल की क्लासेस लेनी है या किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे फील फ्री होकर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।